भोपाल शहर। भोपाल शहर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसका शासन अपनी राजधानी शहर धार से 42 वर्ष तक किया। राजा भोज ने इस शहर में एक बांध माने पाल का निर्माण कराया, जिसके कारण इस शहर का नाम भोजपाल रखा गया। बांध के निर्माण से जो ताल निर्मित हुई उसे बड़ा ताल कहा गया। राजा भोज ने इस बांध पे एक किले का निर्माण कराया, जिसे पुराना किला कहते हैं। आधुनिक शहर भोपाल के निर्माण का श्रेय सरदार दोस्त मोहम्मद खान को जाता है, जिन्होंने इस शहर में सन 1708 से सन 1726 तक शासन किया। 18वीं शताब्दी में भोपाल गौंड राज का एक छोटा सा गांव था। ब्रिटिश काल के पतन के दौरान चौकीगढ़ गिन्नौर, जिसके अधीन 750 गांव आते थे, उस पे एक गौंड राजा निजाम शाह का शासन था। निजाम शाह की 7 रानियां थीं। रानी कमलापति जिसमें से एक थी। निजाम शाह का भतीजा आलम शाह, जो कि चैनपुर बाड़ी माने रायसेन का मुखिया था, वो निजाम शाह से बेहद चिढ़ता था और उसने अंततः जहर पिलाकर उनकी हत्या कर दी। विधवा रानी कमलापति और उनके इकलौते बेटे नवल शाह ने गिन्नौरगढ़ किले में जाकर शरण ले ली। रानी कमलापति अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जो कि मुगल आर्मी के मुखिया थे, उन्हें आलम शाह को मारने का संदेश भेजा और बदले में भोपाल राज्य देने का वादा किया। सन 1717 से सन 1718 के बीच सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने चैनपुर बाड़ी पर हमला किया। आलम शाह मारा गया और उसके सैनिक बंदी बना लिए गए। रानी कमलापति ने वादे के मुताबिक चैनपुर बाड़ी और भोजपाल का राज्य सरदार दोस्त मोहम्मद खान को तोहफे में दे दिया। नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की संस्कृति एवं वास्तुकला में इस्लामिक प्रभाव डाला। उन्होंने भोपाल के नज़दीक जगदीशपुर के किले को सुधारा और उसे नया नाम इस्लाम नगर दिया। भोपाल के दूसरे शासक नवाब यार मोहम्मद खान ने अपनी राजधानी भोपाल से इस्लाम नगर स्थापित की। हालांकि तीसरे शासक नवाब फैज मोहम्मद खान ने राजधानी भोपाल वापस में स्थापित कराई। दोस्त मोहम्मद खान के बाद सन 1726 से 1742 तक नवाब यार मोहम्मद खान ने भोपाल में शासन किया। 1742 से 1777 नवाब फैज मोहम्मद खान, 1777 से 1808 नवाब हयात मोहम्मद खान, 1808 से 1809 नवाब गौस मोहम्मद खान, 1809 से 1816 नवाब वजीर मोहम्मद खान एवं 1816 से 1819 नवाब नजर मोहम्मद खान ने शासन किया। सन 1819 से 1926 के बीच भोपाल राज्य का शासन 4 महिला शासकों ने किया। गौहर बेगम कुत्सिया भोपाल की पहली महिला शासक बनी, जिन्होंने सन 1819 से सन 1837 तक भोपाल में शासन किया। गौहर बेगम बहुत ही धार्मिक महिला थीं। उन्होंने एक इमारत मक्का और मदीना में खरीदी ताकि भोपाल से हज पे जाने वाले यात्री वहां मुफ्त में रुक सकें। सन 1837 से 1844 तक भोपाल में नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने शासन किया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सिकंदर जहां बेगम ने राज्य संभाला और सन 1844 से 1868 तक शासन किया। भोपाल के आधुनिकीकरण में सिकंदर जहां बेगम का बहुत योगदान रहा। उन्होंने मदरसा सुलेमानिया का निर्माण कराया, जिससे मुसलमान लड़कियों को शिक्षा मिल सके। भोपाल के मोती महल, मोती मस्जिद और रेलवे स्टेशन का निर्माण भी बेगम सिकंदर जहां ने कराया। सन 1868 में शाहजहां बेगम का शासनकाल शुरू हुआ, जो कि सन 1901 तक जारी रहा। शाहजहां बेगम सिकंदर जहां बेगम की इकलौती बेटी थी, जो कि कम उम्र में विधवा हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भोपाल के आधुनिकीकरण में समर्पित कर दी। शाहजहां बेगम ने लंदन में पहली मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताजुल मस्जिद, ताजमहल,
बेनजीर पैलेस एवं कई स्कूल्स और जेल का निर्माण कराया। सन 1901 से 1926 तक शाहजहां बेगम की बेटी सुल्तान जहां बेगम ने शासन किया। वह भोपाल की आखिरी महिला शासक थी। सरदार मंजिल, जो कि वर्तमान में भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्यालय है, वह सुल्तान जहां बेगम का महल हुआ करता था। हालांकि अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शांत वातावरण में अपने एक छोटे से शहर का निर्माण कराया और वहीं रहना पसंद किया। उन्होंने एक नए महल नूरसबा का भी निर्माण कराया, जो कि वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित हो चुका है। सन 1926 से 1947 तक नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल में शासन किया, जो कि भोपाल के आखिरी शासक थे। हमीदुल्ला खान द चैम्बर ऑफ प्रिंस के चांसलर थे एवं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद हमीदुल्ला खान ने सिंधी रिफ्यूजीज को भोपाल के ताजमहल पैलेस में रहने की इजाज़त दी। 4 साल बाद सिंधियों को एक नए क्षेत्र में विस्थापित किया, जिसे अब बैरागढ़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भोपाल एक आधुनिक शहर में परिवर्तित हो चुका है, जहां कई शिक्षा संस्थान, बड़े होटल्स और मॉल्स हैं, और इसके साथ ये शहर घूमने के लिए एक बेहद खूबसूरत स्थान भी है।